बहुत मोटिवेटिंग था मतलब वो इमीडिएटली ऐसा हो गया था कि अरे ये तो मुझे और चाहिए नहीं एक शॉट पे क्यों मेरे को पूरी मूवी में चाहिए यू you नो know? तो बहुत मोटिवेट करता है डेफिनेटली बट uh, उन्होंने इमीडिएटली यू you नो know, उन्होंने मेरा कॉलर एकदम से फिक्स किया थोड़े oh. बाल थोड़ा सामान पकड़ा ही जो लुक मी एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे ऐसे आंसू गिर रहे थे तो शॉर्ट से पहले ही मेरे आंसू निकलने लग गए थे तो सबसे क्यूट चीज थी कि उन्होंने उन्होंने जस्ट एकदम से पोच दिया अच्छा अच्छा हेलो एंड वेलकम मैं हूँ आकिब खान आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड क्रॉनिकल में आज जो हम करने जा रहे हैं वो शायद से पहले कभी नहीं हुआ होगा <laughs> हम अपने स्टूडियो में जलपरी ले आए हैं सबसे पहले कैसे हैं आप एंड यस यस थैंक थैंक यू यू सो मच जलपरी जवान की हम बात करें जवान की बहुत सारी बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे

Uh, पर मेरे लिए उस वक्त मोर लाइक वेकेशन था कि अच्छा एक महीने में को यू नो स्कूल नहीं जाना और मस्ती कर रही हूँ और एक्टर्स से मिल रही हूँ और ये सब बट uh, वहाँ से जो भी जर्नी एक्चुअली मैंने सोची उस वक्त नहीं सोची थी बट विद टाइम कुछ सालों के साथ साथ धीरे धीरे करके सोचना शुरू किया था मेरे को वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिख रही है स्पेशली आफ्टर जवान यू नो एंड सो वो जलपरी से जवान तक का सफ़र बहुत

बोलते कि हाउ द जोश या या, या 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 अरे बहुत अभी मतलब अभी मुझ में जितना जोश है ना टू तो लाइक मेरे को क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा जब मैं जवान देखने के लिए थिएटर में गई थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुबह सुबह छह बजे मैंने लोगों को चीखते हुए चिल्लाते हुए तालियां मारते हुए गेटी एलेक्सी तो अगले दिन था दिस वाज फर्स्ट डे इवन इन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एंड एंड मेरे को लगा नहीं था कि यू नो इन अ मल्टीप्लेक्स स्टेप का रहेगा कहीं ना कहीं बट सुबह छह बजे लोग लिटरली कर रहे थे एंड मेको बूस्ट तब मिला था जैसे ही आ, मेरा एक शॉट आया था आ, फिल्म का और उस पर मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि कोई भी कुछ भी करेगा एंड सडनली मेरे आसपास से मेरे को आवाज आना शुरू हुआ और लोगों ने सीटियाँ बजाना शुरू किया और वो बहुत मोटिवेटिंग था मतलब वो इमीडिएटली ऐसा हो गया था कि अरे ये तो मुझे और चाहिए <laughs> नहीं एक शॉट पे क्यों मेरे को पूरी मूवी में चाहिए यू नो तो बहुत मोटिवेट करता है डेफिनेटली अच्छा लहर का ये लाइक वर्किंग वर्क मंत्रा क्या लाइक लिमिट काम मतलब लिमिटेड चीज़ें करो सिलेक्टिव चीजें करो या फिर काम करते रहो चीज़ें आप बिलीव हैं मैं मैं लिमिटेड मतलब लिमिटेड मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो लिमिट भी बहुत सारे रीजंस की वजह से है मुझे लगता है कि मेरा मंत्र से ये है कि मेरा जो कैरेक्टर है जिस भी प्रोजेक्ट में एक कि वो कहानी के थ्रू वो जो किरदार है वो कुछ ना कुछ कह रहा है और दूसरा मुझे एज एन एक्टर परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है तो इस वजह से वो लिमिटेड है क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल पाता या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका शायद किरदार उतना कह नहीं पाता कुछ तो इसकी वजह से काफ़ी लिमिटेड रहे हैं बट uh, हाँ मैं फिर अब uh, मेरी जर्नी के हिसाब से मैं यही बोलूँगी कि हाँ थोड़ा सोच समझ के अच्छे से अच्छा uh, मुकेश सर मुकेश मुकेशरा सर ओके एंड नॉट जस्ट अप्रोच फर्स्ट कॉल्ड फ्रॉम हिम एंड मेरे को uh, सीधा एटलीस्ट सर से मिलने का पहले एक मीटिंग थी मीटिंग के बाद उनके ऑफिस uh, में ऑडिशन था एंड आई थिंक उनके दिमाग में बहुत क्लैरिटी था ओवर दैट आई कैन प्ले कल की सो so, आई थिंक उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी भी दी वो बहुत बड़ी बात है बट हाँ उनके दिमाग में मैं आई मेरे लिए वो बहुत तो स्टार्ट में बता दिया था कि दैट शाहरुख खान भी ले। I mean, मुझे आइडिया था क्योंकि शाहरुख सर की जो फिल्म है उसके बारे में खबरों में था कहीं ना कहीं okay. कि यू नो वो लोग साथ, साथ में काम करने वाले हैं तो मुझे एक आइडिया था बट ऐसे किसी ने बताया नहीं था कि शाहरुख सर ये कहेंगे या उनका ये रोल है या आपका ये रोल है उनके साथ तब तक नहीं पता था बट मुझे ये पता था कि शाहरुख सर

आई वॉज द फर्स्ट शॉट मतलब जस्ट उन्होंने नारियल फोड़ा फर्स्ट शॉट ऑफ थी एंड आई वॉज द फर्स्ट शॉट तो वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रेशर्स होता है ना मतलब आपके अंदर रह जाता है तो एक तो वो भी था दूसरा आई थिंक uh, <laughs> सबसे फनी था कि uh, मैं प्रेगनेंट कैरेक्टर में थी hmm. मेरे फर्स्ट शॉट के लिए सो दैट द फर्स्ट टाइम मैं कभी प्रेगनेंट सी वाला बम लगा के ऐसे चल के जा रही थी एंड एवरीबडी वॉज लुकिंग की छोटी सी बच्ची you know, कहाँ से uh, प्रेगनेंसी वो लेकर जा रही है बट uh, तो बहुत अच्छा था विष्णु जस्ट अट ऑफ मी द फर्स्ट शॉर्ट ऑफ जवान लाइक एटलीस्ट सर वॉज देयर विष्णु सर वॉज देयर एंड शाहरुख सर के साथ मेरा जो फर्स्ट वो है हाँ अच्छा शाहरुख सर के साथ फर्स्ट था कुछ दिनों बाद हमारे नेक्स्ट स्केड्यूल में था एक्चुअली जहाँ पे हम लोग उनसे फेस टू फेस मिलते हैं एंड दैट वॉज बेसिकली आई आई डोंट नो मतलब अब तो लोगों ने देख लिया मूवी तो मैं थोड़ा बोल सकती हूँ इट्स इट्स अ वेरी इमोशनल सीन जिसके अंदर मैं ऑलमोस्ट रोने वाली हूँ तो वो मेरे को पकड़ के आगे लेकर आते हैं एंड uh, उन्होंने uh, तो उस वाले शॉट में जब मैं उनसे मतलब फर्स्ट टाइम उनके साथ एक शॉट प्रॉपर दे रही थी इट वॉज अ टू शॉर्ट तो नर्वस थी काफ़ी <laughs> बहुत एक्साइटेड भी थी uh, पर उन्होंने मुझे बहुत uh, एकदम से कम्फर्ट फील कराया था वो भी ऐसे था कि आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस में को ऐसा हो रहा था कि शॉट अच्छा देना है सर है सब कुछ है

फील uh, करने दिया कि तुम लोग अभी नए हो बच्चे हो तुम्हें नहीं आता एनीथिंग लाइक दैट ना उन्होंने कभी ऐसा फील करने दिया जहाँ पे आ, आप ऐसे होता है ना कि अरे वी आर जस्ट हम ओ में ही हैं और समथिंग उन्होंने ना बिल्कुल दोस्त की तरह कंफर्टेबल फील कराया इमीडिएटली और वो दोस्त ही बन गए थे यू नो एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ माई गर्ल्स बट बट एक बहुत अच्छी बात ये थी कि ही बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड एंड वो फ्रेंडशिप से क्या होता है ना कि वो कोएक्टिव वाला आप फील कर सकते हो

डेफिनेटली डेफिनेटली मेरे लिए आई थिंक बार बार ये बोल पाना कि लास्ट ईयर की सबसे बड़ी फिल्म जो मास्टर मैं उसमें भी थी इस साल की सबसे बड़ी फिल्म जवान अभी तक की फिल्म जवान में भी मैं हूँ तो कहीं ना कहीं इट गिव्स यू दैट बूस्ट बट मे को मुझे बस ये लगता है कि ये हमेशा मतलब इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर जवान टू क्रॉस थाउजेंड क्रोज विद इन एटीन डेज एंड अगेन ये चीज़ डेफिनेटली है कि सब याद रखेंगे और डेफिनेटली याद रखेंगे पर मैं बस ये कहूँगी कि अभी जस्ट इट्स जस्ट द बिगिनिंग फॉर मी आई वुड से इट्स जस्ट द बिगनिंग आई एम ग्लैड कि मेरा बिगनिंग बहुत दो बहुत बड़ी मूवीज़ के साथ हो रहा है बट बट uh, uh, अभी सिर्फ शुरुआत है तो मैं चाहती हूँ कि और भी आगे और भी काम रहे क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में एक बार आ जाता है कि अरे मैंने कर लिया मैंने बहुत कुछ बड़ा कर लिया

इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हों या फिर रीजनल प्रोजेक्ट हों या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हों थिं एज एन एक्टर आई वॉन्ट बी ओपन टू ऑल बिकॉज आई फील लाइक सब एक्सपीरियंस होना चाहिए ना तो उससे आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है कि एज एन एक्टर आपकी कहाँ लिमिटेशन है कहाँ नहीं है किस पे काम करना चाहिए किस पे नहीं करना चाहिए एंड द मोर यू वर्क विद मोर पीपल आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है okay. तो अच्छा ये कैमरे पे देख करके ठीक है अगर आपको शाहरुख खान के बारे में तो हर कोई सब कुछ जानता है वो कैसे हैं, अच्छा सब कुछ लेकिन ऐसी तीन चीज बतानी हो जो शायद से हमें नहीं पता क्योंकि आप बहुत करीबी से साथ काम कर चुकी हैं इतना टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है सेट्स पे सो so, क्या वो बताना चाहेंगे तीन चीज़ जो शाहरुख खान के बारे में यूजुअली लोगों को नहीं पता है यूजुअली आई थिंक वैसे पता है दैट ही अमेजिंग आई थिंक ये बात अब बहुत लोगों ने बोल दी बट मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगी दैट वो बहुत क्योंकि मैं उनका ऐसा हक करती थी और दो मिनट रुकती थी हाँ <laughs> 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 तो ही स्मेल अमेजिंग दूसरी जो उनके बारे में एक चीज़ मैं कहूँगी वो ये है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग एक्टर है और वो जहाँ भी पहुँचे हैं वो अपने हार्ड वर्क से रहे हैं वो ऐसे ही नहीं पहुँचे ऐसे कोई भी नहीं पहुँचता है तो वो अपने बहुत एंड वो आज भी इतने तीस साल के काम के बाद भी उतना ही काम करने के लिए रेडी हैं तो आई थिंक वो उनका जो हार्ड वर्क है और जो पैशन है वो इतना इंस्पायरिंग है कि मैं भी उनसे बहुत इंस्पायर हो गई हूँ और <laughs> और मुझे भी लगता है कि हाँ उतना ही मुझे भी मेहनत करनी है तो एक वो है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है और एक और चीज़ डेफिनेटली ये एक्चुअली एक्टर्स के लिए है बहुत सारे एक्टर्स के लिए जिनको लगता है कि यू नो लाइक रिहर्सल्स या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उनको मैं बताना चाहूँगी कि सर बहुत रिहर्सल्स करते हैं और उनको हमेशा लगता है कि रिहर्सल uh, में यू शुड परफेक्ट इट सो रिहर्स इट टिल द टाइम यू परफेक्ट सो या तीन चीजें बताई हैं आपने ठीक है ओके तो एक हम एक सेगमेंट अभी मैं आपके साथ करूँगा ठीक है उसके पहले एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये जी. क्योंकि मॉम डैड की मैं आपकी बात करूंगा कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये लव मैरिज था यस yes, यस

तो हाँ मॉम हिंदू फैमिली से हैं डैड मुस्लिम फैमिली से हैं एंड उनका जो लव स्टोरी है वो तो एक अलग मैं किताब लिख सकती हूँ उस पर वो एक अलग ही चीज़ है मैं जनरअली मतलब लिटरली डी डी एल जे रिलीज़ होने के कुछ साल पहले की बात है एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक डी डी एल डे सो माई पेरेंट्स वर लाइक सो उनकी लव स्टोरी को उनके एरिया में डी डी एल जे बुलाया जाता था तो आ, मेरे मॉम एंड डैड सामने आमने रहते थे एंड एंड आमने सामने दिल्ली दिल्ली में में से उनकी इस एक ऐसी प्रेम होती <laughs> और वहां पे उनकी ऐसी मुलाकात हुई <laughs> एक दूसरे को वो भी देख देख के जिसमें शायद शुरू के तीन साल उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ देखा था कुछ नहीं कुछ बोला नहीं वो गली में बस धीरे धीरे प्यार में हो रहा है और बहुत सारे हाँ एग्जैक्टली वैसे ही कुछ या इट्स जस्ट दैट डैड कुछ हरकतें नहीं करते थे <laughs> सिर्फ शांति से देखते थे बट uh, uh, वैसे उनकी मुलाकात हुई और आमने सामने देखना देखना सब शुरू हुआ दो तीन तीन साल एक्चुअली सिर्फ देखा है उन्होंने और धीरे धीरे उनको प्यार भी हो गया एक दूसरे से और वो इतना ज़्यादा हो गया था कि डेफिनेटली जब पता चला कि फैमिली दो अलग कल्चर से आती हैं एंड आप समझ सकते हो कि एक uh, कैसे भी हो बट एटलीस्ट अब जो टाइम है और उस वक्त जो टाइम था उसमें बहुत फर्क है yes. तो उस वक्त वो डिफरेंस एकदम से हिंदू मुस्लिम का काफी अंदर अंदर से था कि कैसे शादी कैसे होगी बट वही होता कि आप प्यार को नहीं रोक सकते कहीं ना कहीं मुझे लगता है तो वही था कि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि कोई रोक नहीं पाया एंड कहीं ना कहीं मेरी दोनों साइड की फैमिली बहुत सपोर्ट किया एंड एंडेड अप कि उनकी शादी हो गई सो डिड दैट हेल्प यू आप क्या लेकिन yes. आप जैसी हैं आज इतनी डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है कि जो बोर्ड ऐसा दोनों हाफ हाफ ब्रीड्स रहते हैं ना वो काफी लकी रहते हैं बिकॉज आई थिंक एक तो पहली बात सबसे अच्छी बात है आपको दोनों कल्चर्स इट बैलेंस इट हेल्प्स बैलेंस ऑल्सो ना आपको दोनों कल्चर्स का आइडिया लगता है कहीं ना कहीं की उनकी वो कहाँ से आ रहे हैं वो कल्चर्स भी कहाँ से आ रहे हैं आई थिंक वो सीखने का मौका भी मिलता है और दूसरा वो डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल चला जाता है मतलब देर इज नो डिफरेंसिएशन एनी हेड वैसे वाली बात है तो मैं तो दोनों उसमें ग्रो अप हुई तो इट्स लाइक like, बहुत सही है तो मैं इधर मतलब जब भी मेरी मॉम कोई यू uh, नो you know, फेस्टिवल तो हमने सारे फेस्टिवल्स मनाए लाइक वी वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल हर जगह हाँ जहाँ पे जैसे ऑल ऑफ इट जस्ट लाइक हाउ इवन शाहरुख सर इज इन हिज फैमिली इज यू नो सो आई एम रियली ग्लैड दैट मैं भी ऐसी फैमिली में ग्रो अप हुई हूँ